Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं वर्ड ऑफ पोएट्री YouTube चैनल और मैं हूं मोहम्मद रुबकर नई। आज का हमारा टॉपिक है वो है स्कैपुला। हम चिकन नॉर्थन पढ़ रहे हैं तो आज हम चिकन का जो स्कैपुला पढ़ेंगे, एवियन स्कैपुला। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैपुला क्या है। स्कैपुला इज द शोल्डर बोन व्हिच इज प्रेजेंट इन द रिब्स ऑफ एनिमल्स एंड विंग्स ऑफ एवियंस। स्कैपुला इज अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन, इट मेक्स द शोल्डर जॉइंट्स व्हेन इट जॉइंस विद द ह्यूमरस। आप यहां से देखें कि ये है स्कैपुला, ठीक है। आपको इधर से अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ, दूसरी साइड थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। ये जो कैरेक्टर है ये वाला ठीक है, ये है स्कैपुला, ठीक है। और ये जो है ये क्या कहता है कि ये शोल्डर बोन है, ठीक है। ये विंग्स ऑफ एवियन में होता है और स्कैपुला ये फ्लैट बोन है, ठीक है। फ्लैट बोन की कैटेगरी में आता है और इट मेक्स अ शोल्डर जॉइंट्स with the help of humerus। ये humerus है, humerus का हम मिलके यहाँ पे shoulder joints बनाते हैं, ठीक है। So अब हम avian scap इसके जो है सारे अगले characters देखते हैं। Avian scapula, it is elongated in shape, ठीक है। elongated shape होती है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे इसमें दिखाऊंगी। ये जो है ये character, ये है avian scapula और elongated होता है, ये देखें, ठीक है। This one, it has two surfaces, lateral surface and medial surface। दो सर्फेस हैं, lateral surface जो बाहर की तरफ है और medial surface internal surface जो है। उसके बाद it has two ends, cranial end and caudal end, ठीक है। cranial end ये अगला वाला जो पार्ट है, इसका cranial end है, जो back वाली एरिया end है इसका जो है ये caudal end। it has two borders, dorsal and ventral। ये ऊपर वाला इसका dorsal और ये नीचे वाला इसका ventral, ठीक है। एवियन स्कैपुला इज इंक्लूडेड इन लॉन्ग बोन्स, इट आल्सो हैज अ ग्लेनॉइड कैविटी एट द क्रैनियल एंड। इस जगह पे यहां पे एक ग्लेनॉइड कैविटी होती है। दिस कैविटी गिव्स द आर्टिकुलेशन विद द ह्यूमरस बोन, जो कि ह्यूमरस बोन के साथ आर्टिकुलेशन करने में मदद देती है और टू मेक द शोल्डर जॉइंट्स, और यहां पे शोल्डर जॉइंट्स बनाने में वो हेल्प करता है। द एवियन स्कैपुला हैज लेस फ्लैटेंड सरफेस, ठीक है। इट हैज स्मूथ सर्फेस, इसकी जो सर्फेस है वो ज्यादा फ्लैटन नहीं है और स्मूथ है इसकी, ठीक है। द डोर्सल बॉर्डर ऑफ एवियन स्कैपुला इज कन्वेक्स इन शेप व्हाइल द वेंट्रल बॉर्डर इज कनकेव इन शेप। अब ये देखें, ठीक है, ये जो इसका डोर्सल एंड है, डोर्सल साइड है, ये कन्वेक्स है, जबकि जो है वेंट्रल है वो जो है वो कनकेव है, ठीक है। डोर्सल साइड इसकी कन्वेक्स और जो वेंट्रल साइड है वो कनकेव शेप में। So, the caudal end of scapula is always in blunt form। जो ये caudal end है ये वाला, ये हमेशा blunt form में होता है यानी चौड़ा, ठीक है। उसके बाद there is a little projection on the ventral border of the scapula is known as tuber spine। इसकी जो ये वाली ventral border है इसका, उस वहां पे एक छोटी सी projection होती है, projection में उभार होता है, ठीक है। उसको कहते हैं ट्यूबर स्पाइन। इसमें अब शायद वादे ना हो सके लेकिन इसमें वादे हो जाएगा। ये देखें, जिधर मेरी फिंगर है बिल्कुल नीचे, ठीक है, ये दिस वन, ये छोटा सा एक जो है प्रोजेक्शन है, तो यही जो है इसको ट्यूबर स्पाइन कहते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉमन इन ऑल बर्ड्स। तो ये जो स्कैपुला है ये तमाम जितने कैटेगरीज के बर्ड है उनके अंदर एक जैसा ही होता है, इसी फॉर्म में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एवियन स्कैपुला। आई होप कि आपको मैक्सिमम पता चल गया होगा। सो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनन्य के बाद।